पांचवा अमन का उत्सव के मौके पर मैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया सिनोड की ओर से, डायसिस ऑफ दिल्ली की ओर से, यहाँ के सभी चर्चेस की ओर से जो इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र हैं, उन सब की ओर से आप सबको क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। पिछले 5 सालों से इस जगह पे आके, सेंटर पार्क में आके, कनॉट प्लेस में आके, दिल्ली के सभी चर्चेस, उनके सारे क्वायर्स आते हैं, यहाँ गाना गाते हैं, यहाँ कैरल्स गाते हैं और प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन की मुबारकबाद देते हैं। जैसे आपको पता, आपने पिछली बार एक बात कही थी जोर देके कि ये प्रोग्राम यहाँ इसलिए किया जा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म का जो मैसेज है, जो सुनेहा है उनका, वो हम चर्चेस के अंदर ना रखें, कैथीड्रल्स के अंदर ना रखें या मसीह घरों के अंदर ना रखें, इसको बाहर पूरी दुनिया के लिए जाएं। हम स्पेशली दुआ करते हैं जो भी, जिनको भी इस देश में अथॉरिटी दी गई है इस देश को गवर्न करने के लिए, उनके लिए प्रेयर होती है ताकि वो इस देश को आगे बढ़ाएं, इसका विकास करें। प्रभु यीशु मसीह के आने के उस दिन को खुशी के साथ मना सकें और सबके साथ जो इस पार्क में घूम रहे होंगे या हमारे सिंगिंग को सुनेंगे, ताकि जो प्रभु के संसार में आने का उद्देश्य था, प्रेम भाईचारे को बढ़ाने के लिए, उस संदेश को हम लोगों तक पहुंचा सकें। क्रिसमस की सेलिब्रेशन है, बेशक प्रभु यीशु के जन्म से रिलेटेड है, पर इससे बढ़कर जो खास उद्देश्य, जैसे मैंने कहा, प्रभु का इस संसार में आने का है, वो उस प्रेम को जाहिर करने का जो परमेश्वर ने जगत से किया था। इस दिन की जो विशेषता है वो गुड फ्राइडे के साथ जुड़ती है कि जिस दिन प्रभु यीशु मसीह सबके उद्धार के लिए, पापों के छुटकारे के लिए सलीब पर बलिदान हुए थे। क्योंकि उनके बलिदान अगर ना होता तो शायद आज यह क्रिसमस की कोई अहमियत भी ना होती। ये खुशी हमारी सिर्फ बाहरी रूप से ना हो, परंतु उस प्रभु यीशु मसीह को भी अपने जीवन में जगह दें कि वो हमारे लिए संसार में आए। और उसी तरह से जो खुशी हम किसी बच्चे के जन्मदिन को मनाने की हासिल करते हैं, वो हासिल भी करें और उनके इस संसार में आने के उस संदेश को, जो प्रेम का था कि परमेश्वर के प्रेम को उन्होंने प्रकट किया, वो आज्ञाकारी बना कि उन्होंने सलीब पर अपने बलिदान दिया और उसके द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, हम उसको अपने दिलों में हमेशा याद रखें। मैं अपनी तरफ से आप सबको बड़े दिन की और आने वाले नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। क्रिसमस एक ऐसा अवसर है जब हम बहुत खुशी प्रकट करते हैं कि हमारे परमेश्वर एक बच्चे के रूप में हमारे बीच में आए और वो हर से प्रेम का संदेशा लेकर आए। क्रिसमस के ऊपर जो गाने लिखे गए हैं उनको हम साथ मिलकर गाते हैं और इस पृथ्वी के हर भाषा में क्रिसमस के गाने पाए जाते हैं। हम सब की तरफ से आपको ये क्रिसमस की खुशियाँ हम बांटना चाहते हैं
और आप सबको एक बहुत हैप्पी क्रिसमस विश करना मांगते हैं और चाहते हैं कि ये जो एकता हम दिखाते हैं इस दिन, ये पूरे साल के लिए, ये एकता और ये प्रेम एक दूसरे के लिए पूरे साल बना रहे। ये खुशी की बात है कि ये पांचवा साल है और इसमें लोग जुड़ते जा रहे हैं, चर्चेस जुड़ते जा रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस इसमें भागीदारी उनका बढ़ता चला जा रहा है। और ये इसलिए इस जगह को चुना गया है क्योंकि ये सेंट्रल प्लेस है जहाँ पे सभी जाति के लोग जमा होते हैं और इसी क्रिसमस का ये जो फेस्टिव टाइम है, मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि लोग जो द क्रिसमस कन्वे द मैसेज ऑफ जॉय, पीस, ब्रदरहुड, लव एंड टॉलरेंस, हम यही चाहेंगे कि इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, चर्चेस के द्वारा ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करें। यही विशेष संदेश मेरी ओर से आज क्रिसमस के दिन होगा। आज का ये दिन शुभ दिन है, आज का ये दिन शुभ दिन है, आज की